अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं जमाल दारी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे होंगे मैं बस में बैठा हुआ और पीछे मेरा आप सारा इन्वायरमेंट देख रहे होंगे। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ मक्का से मदीना। मैं बैठ गया था, जल्दी में था, वरना मैं आपको बस का बाहर का रिव्यू देता और अंदर इंटरनल इंडोर व्यू देता, लेकिन ये इंशाल्लाह उतर के मैं दे दूँगा। और अभी आप लोग ये मनाजिर इन्जॉय करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है और बस का इन्वायरमेंट भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, आप लोग देख सकते हैं। आप दिखा दें ज़रा। तो ये है जी सारा सिलसिला और इंशाल्लाह कनेक्ट होते थोड़ी देर बाद। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। की जानिब ना कैसे खींचूं मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में है मेरा दीन। व्यूवर्स, नमाज के लिए जो है इन्होंने बस रुकी और मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये बस का एंडो ये, और यहाँ से अब हम नीचे उतर रहे हैं जी। अब हम जाते हैं मस्जिद और देखते हैं कौन सी जगह है जी। बहुत ही खूबसूरत, दूर पर पहाड़, और ये है मस्जिद या नमाज के लिए बस रुकी गई है। ये देखें हसीन मंजर है। यहाँ पे ग्रीन कलर की टैक्सी होती है, यहाँ खड़ी भी है। और ये सारा ये पेट्रोल पंप ये देखिए जी, मस्जिद तो शेख नाम है इस मस्जिद का, और यहाँ से एंट्रेंस है और आगे सारी मार्केट है, KFC, सलून और बहुत कुछ। और ये KFC है, नवाज लिखा अभी बहुत क्या लिखा हुआ है। चले बस चलते हैं। ओके व्यूवर्स, मैंने नमाज पढ़ ली है यहाँ पे, और आप लोग पीछे वेदर देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वेदर हो रहा है। और मैं आपको दिखा चलूँ टैक्सी, मस्जिद और यहाँ की सारी चीज़ें, तो कनेक्टेड रहिएगा और मैं बस को दिखाता हूँ जी। व्यूवर्स, आप ये देख सकते हैं इस मस्जिद में नमाज अदा करी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये यहाँ की टैक्सी है। और अब मैं आपको बस दिखाता हूँ, ये सामने बस है जो वाइट कलर की जा रही है। इस बस में हम लोग सफ़र कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारा सूरज के अंदर बस आगे जाते हुए देखें जी यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की रौनक बहुत ही ज़बरदस्त। ये है जी हम लोगों की बस, इससे हम जा रहे हैं मदीना। हम बस भी इंतहाई खूबसूरत है माशाल्लाह। ये मस्जिद थी जी जिसमें नमाज अदा की है अल्हम्दुलिल्लाह। इस सरजमीन को भी नमाज अदा करने का अदाज हासिल हुआ है। और ये है जी इसका गेट, अब हम जाएंगे ऊपर। ये है भी बस का इंटरव्यू।
इस चेयर से चढ़ के हम ऊपर आए हैं, बस काफ़ी हाइट पे, बहुत ही खूबसूरत। ये बाहर आपको दिख रहा होगा, जबरदस्त है जी। अरे मैं अपनी सीट पर बैठा हूँ और उसके बाद आपसे कनेक्टेड रहते हैं, आपको यहाँ का जो खूबसूरती दिखाते हैं। अब तेरा जीना मरना मदीने में है, लब खोलने से पहले ही आका ने दे दिया, लब खोलने से पहले ही आका ने दे दिया। मेरा भी तजर्बा है, मेरा भी तजर्बा है। अच्छा व्यूअर्स, अभी आप लोग देख रहे होंगे बस में बिल्कुल रात का समय है, सब लोग सो रहे हैं, लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं और अभी मैं भी सो के उठा हूँ, तो सोचा आप लोगों से कनेक्ट हुआ जाए और आप लोग आ जाए जी। 3 घंटे गुजर गए हैं और सब लोग आराम कर रहे हैं। मदीना का तकरीबन 5 से 6 घंटे का सफ़र है मक्का से मदीना थ्रू बस, और मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने सोचा जी अपने ये व्यूअर्स। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए गाड़ी को रोका गया है। खैर मगरिब से तो बहुत देर हो गई है, मगरिब और ईशा के दरमियान का वक्त है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ जी। जगह मुझे नहीं पता क्योंकि लेकिन हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है, मदीना का थोड़ा सा लग रहा है करीब है, तो वेदर थोड़ा यहाँ पर ठंडा है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाते चलूँ जी। अरबी में लिखा हुआ है, मार्ट लग रहा है ये कैफ़े, और ये हम लोगों की बस है, सामने से मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा पीछे कर देते हैं जी। ये आ गया और ये पेट्रोल पम्प यहाँ का, बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है, बहुत खूबसूरत वेदर, हसीन हवाएं, ये यहाँ की रोड्स, लाइट्स और ये रहा सारा मंज़र। अब चलते हैं अंदर और बनाते हैं वीडियो। ये देखें जी, इंतहाई खूबसूरत ये प्रे एरिया है मेरे ख़्याल से, यहाँ पे नमाज पढ़ने की जगह है और यहाँ से सामान मिल रहा है डिफरेंट। ओहो, ये तो पूरा मार्ट बना हुआ है जी, बहुत दूर तक पूरा मार्ट है। यहाँ पे खाने को क्या क्या है अगर हम जूम करके दिखाएं आपको, तो क्या लिखा हुआ है जी, मुझे वजीबातुल फतूर 15,777 रियाल और बहुत कुछ है, बिरयानी वगैरह कुछ बना हुआ है, अरबी सारे खाने हैं और कोल्ड ड्रिंक्स हैं अंदर बाकायदा, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। ये क्या जी बना के दे रहे हैं, ये कबाब फ्राई, चाय बना के दे रहे हैं। ये चाय है, ये चाय बना रहे हो, चाय ना, चाय ही ना, खाली कुनाफा, कुनाफा ओके। यहाँ पे एक तो लैंग्वेज बैरियर बहुत है जी, यहाँ पे सुना है चाय बना रहा है, चाय रियाल
3 रियाल नो डिस्काउंट नो डिस्काउंट ओके ओके 3 रियाल 2 रियाल 2 रियाल 1 रियाल पाकिस्तानी 65 रुपए इस टाइम या 64 रुपए और 3 रियाल 2 रियाल करके जो है ना 180 रुपए की चाय। हम लोग क्योंकि पैसा कन्वर्ट करवा के आए हैं जी तो सोचना पड़ता है भाई 180 रुपए की चाय पिए कि ना पिए। अल्लाह जा रहे हैं ख्याल से जगह है यहाँ पे अच्छा जी। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो है बैठने की जगह है, नीचे भी आप बैठ सकते हैं क्योंकि अरब के अंदर इसी तरह होता है और आप चेयर्स भी बैठ सकते हैं। वैसे आप देख रहे हैं वहाँ ये लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज की जगह भी है, खाने की जगह भी है, ये भाई खाना खा रहे हैं, तो दोनों तरीके का इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे। और चले देखते हैं बाहर चलते हैं दोबारा से गाड़ी में जाते हैं। ठंडा वेदर है इधर तो ठंडी हवाएं चल रही हैं, जैसे कि आप सोचें कि मक्का में ऐसी गर्मी थी जैसे कराची में होती है। इस टाइम जो कराची का नॉर्मल वेदर हो रहा है इस तरह मक्का है, और मदीना इस टाइम जो है ना थोड़ा बहुत इस्लामाबाद वाला वेदर दे रहा है इस्लामाबाद। ठीक है जी, अभी हम यहाँ पे भी इन्होंने बैठने की जगह बनाई हुई है, ये देखें खूबसूरत बस। इस बस में हम लोग सफर कर रहे हैं, फ्यूल मार्केट जो है फ्यूल मार्केट बैठ के खा सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ मुनाफा मिल रहा है कॉर्नर है और यहाँ चाय मिल रही है, वहाँ कॉर्नर पे जो है वो मुनाफा मिल रहा है मुनाफा बोल रहा हूँ, मुनाफा कहीं नहीं मिल रहा है, घाटे में जा रहे हैं। ये बन रहा है जी कुनाफा, हाँ जी। आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को ये विजिट कराया जिस जगह हम मगरिब की नमाज़ पढ़ने रुके हैं, और बहुत ज़बरदस्त अरबी खाने हैं यहाँ पे। मंडी भी मैंने आप लोगों ने कैप्चर कर लिए, कुनाफा भी ये कैप्चर कर लिया है, और ये लिखा हुआ है मतल आइला फैमिलीज एंट्रेंस, यहाँ फैमिली एंट्रेंस है और साफ़ सुथरा बना हुआ, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है जैसे हम इस्लामाबाद में होते इस तरह है, और अरेबिक खाने मैंने अभी तक 3-4 दिन में पहली दफ़ा देखे हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ जहाँ हम रह रहे थे वहाँ सारे पाकिस्तानी अरबी हैं। मंदी बहुत ज़्यादा चल रही है, दूसरा चिकन दूसरे तरीक़ों से है, तो हम लोग देख रहे हैं महंगाई बहुत है यहाँ भी, महंगाई बहुत है यहाँ के हिसाब से, हो सकता है सस्ता हो 7 रियाल 10 रियाल 15 रियाल 20 रियाल, लेकिन हम लोग कन्वर्ट करा के जब लाते तो महंगा बहुत लगता है, यही वजह है। ملك قرية أفرق أنا أجيب الليل هذا اشتري أنت أقول إيش ما إيش
ये जी दो रियाल की चाय, दो रियाल पाकिस्तानी 128 से 30 रुपए बनता है। दो रियाल की चाय पिए यहाँ के दूध का नाम लेके मुफिया मिल्क। अच्छा जी, अभी वॉशरूम में आया था और वॉशरूम में आकर जो है वो फ्रेश भी हो गए हैं और मुँह हाथ भी धो लिए दोबारा से, जो है वो ज़बरदस्त हो गए हैं जी, फ्रेश हो गए हैं एकदम। व्यूअर्स, अपने चाय को इन्जॉय कर रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत खुशगवार है क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं और थोड़ा सा स्टे करने को मिला है, दर्शन भी थक गए थे क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, तो थोड़ा आराम कर रहे हैं, चाय के साथ इन्जॉय कर रहे हैं। चाय मस्त है, कराची वालों के लिए चाय मस्त है। अच्छा जी, ये ड्राई फ्रूट की शॉप है और इस पर लिखा हुआ है किला अल बरका। तो ये किला अल बरका के अंदर जो है सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। अजान हो रही है पीछे, तो इसलिए मुझे खामोश होना पड़ेगा अभी। ये सारी जो है वो फ्यूल मार्केट, फ्यूल मार्ट, आई मीन फ्यूल मार्ट। हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ सकते तो पढ़ लीजिएगा। खैर, अब हम अंदर चलते हैं मार्ट में। ये देखिए जी, जैसे हमारे शेल वगैरह पे नहीं होता, मार्ट बना होता है पेट्रोल पंप्स के बराबर में, तो ये भी इसी तरह का एक मार्ट है, फ्यूल फ्यूल पंप था और यहाँ मार्ट। लेस अरबी वाले लेस पड़े हैं, अभी दिखाता हूँ आपको, अरबी वाला लेस, ये देखिए जी अरबी लेस। जी क्या लेना है आपको, जल्दी बताएं। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, मुझे तो भूख नहीं लग रही, मैं वहीं जाके खाऊंगा। नहीं, जो तुम्हें चाहिए वो। अच्छा, एक हैरत अंगेज बात यह है कि यहाँ पे मरिंडा सिट्रस मिलती है और ऑरेंज भी मिलती है, दो कलर, दो तरह की मरिंडा है यहाँ पे। ये देखें ऊपर ऑरेंज और ये सिट्रस, और इसका टेस्ट भी बहुत चेंज है। यहाँ कोका कोला ओरिजिनल इस तरह की है और यहाँ के सारे टेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज है पाकिस्तान के हिसाब से, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छे हैं, अच्छे की वजह है। ये देखें जी यहाँ की कॉर्नेटो, इशा भी पढ़ लें। व्यूअर्स, हम मदीना में इंटर हो चुके हैं और मदीना की खूबसूरती यहीं से स्टार्ट हो गई। शहर की लाइट्स, शॉप्स,
हर तरह की खूबसूरती जो मैं देख रहा था वो मंज़र बहुत हसीन था। और बस में बैठकर एक अलग ही फीलिंग्स आ रही थी कि यार मैं मदीना शहर में इंटर हो गया हूँ और मस्जिद नबी रोज़ा रसूल बहुत पास आ गया। सरकार मुझसे कहे एक बार, काश सरकार मुझसे कहे एक बार, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। लब खोलने से पहले तजर्बा है, मेरा भी तजर्बा है, मेरा भी। व्यूअर्स हरम आ गया मस्जिद नबी के मीनार नज़र आ रहे हैं और इस टाइम फीलिंग कैसी थी कि अनबिलीवेबल। सुबह फजर की नमाज के बाद मस्जिद नबी की वीडियो बनाते हुए और सुबह का मंजर, सुबह का मौसम, यहाँ की हवा और यहाँ की ब्लेसिंग्स और यहाँ का पीसफुल इन्वायरमेंट बहुत बहुत ही ज़्यादा दिलकश था। और जो रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट था, इस तरह का इन्वायरमेंट पूरी दुनिया में नहीं है। बहुत ज़्यादा आप पीसफुल फील करते हैं यहाँ पे। क्या मांगूं मुस्तफा से, उजागर दिली मुरा, सब कुछ तो दे दिया है, सब कुछ तो दे दिया है।